प्रणाम। सिटीवन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर, मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटीवन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पांडेहाता पुलिस चौकी से घंटाघर, नखास, बख्शीपुर, आर्यनगर तक पैदल गश्त कर आम लोगों को कोरोना वायरस के प्रति किया जागरूक। सिटी मजिस्ट्रेट ने घंटाघर व अन्य क्षेत्रों का भ्रमण कर विभिन्न प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण। दुकानदारों से कहा सुरक्षा उपकरणों के साथ ही खोलें प्रतिष्ठान। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कसरवल बॉर्डर चेक पोस्ट का किया निरीक्षण। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इंसेफेलाइटिस की रोकथाम के लिए प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने वीसी के माध्यम से की चर्चा। गोरखनाथ थाना क्षेत्र की दुकानें व मकान ध्वस्तीकरण कार्य का ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रमुख सचिव विकास एवं पंचायती राज विभाग ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग व सुरक्षा उपकरणों के साथ जनपद में कराए जाएं विकास कार्य। ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने नगर आयुक्त से की मुलाकात। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें किया नमन। विभिन्न प्रांतों में फंसे श्रमिकों को लेकर श्रमिक के स्पेशल ट्रेनों के गोरखपुर पहुंचने का सिलसिला है जारी। और वैश्विक महामारी के बीच मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले असली कोरोना वॉरियर्स 108 व 102 एम्बुलेंस के चालकों का हुआ सम्मान।